नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी एस वाई नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में खूब ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। मित्रों, आप लोग तैयारी टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं कि आप टीजीटी आर्ट की तैयारी में खूब ईमानदारी के साथ व्यस्त हैं। सही है ना, व्यस्त हैं आप लोग। व्यस्त रहिएगा मित्रों, क्योंकि परीक्षा की डेट कभी भी आपके बीच आ सकती है। और जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं कि पेपर नहीं होगा या फिर कैंसिल हो गया या फिर आयोग काम नहीं कर रहा है, तो वो सारी की सारी भ्रामक जानकारियां हैं, उनसे थोड़ा बचें और वो आपको तैयारी से, मुख्य धारा से थोड़ा सा हटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनकी रणनीति को समझें और तैयारी में आप जुटे रहें। आज की जो क्लास है इसमें हम मैराथन क्लास देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स लिए गए हैं जिसमें जोगी मारा हो, कुछ गुफाएं हैं, चाहे उसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लें जैसे चनहुल्लो हो गया या कलीबंगा हो गया, या लोथल की बात करें जो आर राव साहब खोजते हैं भोगवा नदी के किनारे, और उसी में प्रागैतिहासिक काल का कुछ दृश्य जैसे देखें तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र रहता है और उस क्षेत्र में खास करके बहुत सारे जो है खोह पाई गई, चाहे हरनी हरण हो, चाहे कांडा कोर हो, सुरहो घाट हो, विजयगढ़ हो, लिखुनिया हो, इन सभी से खूब ज़्यादा साक्ष्य आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो क्यों ना हर एक पॉइंट्स को सहेजते हुए चलें, उसका थोड़ा रिवीजन करते हुए चलें, मैराथन करते हुए चलें, जिससे आपका कोई डाउट ना बचे और फाइनली आपका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा रहे, जिससे कहीं से भी अगर क्वेश्चंस बने तो आप फटाक से आंसर्स दे ले जाएं। बस इसी पर हमारा मेन ध्यान केंद्रित है। आइए क्लास की तरफ चलते हैं। ये जोगीमारा की बात करें तो जोगीमारा की गुफा कहाँ स्थित है आपसे पूछा जाता है। तो इसका लोकेशन छत्तीसगढ़ में है, सरगुजा जनपद की रायगढ़ की पहाड़ी पर स्थित होता है। ये रायगढ़ की पहाड़ी पर सरगुजा रियासत में छत्तीसगढ़ प्रांत में पाया जाता है। बात करते हैं जोगीमारा की लंबाई चौड़ाई की। तो 10 फीट लंबा है, 6 फीट चौड़ा है और 6 फीट इसकी ऊंचाई भी है। तो याद रखना है जोगीमारा की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो 10:6:6 का रेशियो आप ज़रूर याद रखना। आगे बढ़ा जाए मित्रों, तो आगे कहा जाता है भारत में सर्वाधिक प्राचीन भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त हुए। सर्वाधिक और प्राचीन कौन सी रचना? भित्तीय रचना, भित्तीय चित्र। तो 300 ईसा पूर्व में जोगीमारा में ही देखने को मिल जाते हैं। वही जोगीमारा जो एक पुरानी नाट्यशाला रही है, आप जानते होंगे, आपने जब स्टार्टिंग में पढ़ा तो हमने बताया था कि ये एक नाट्यशाला है। जोगीमारा गुफा में कुल कितने चित्र प्राप्त होते हैं मित्रों? तो 7 चित्रों का उल्लेख यहाँ पे है। और जोगीमारा के भित्तीय चित्रों का विषय किस धर्म से संबंधित है? तो भित्तीय चित्रों का जो यहाँ विषय मिलता है मित्रों, वो विषय फाइनली आपके जैन धर्म से संबंधित होता है। जैन धर्म से संबंधित विषय बताए जाते हैं। जोगीमारा गुफा के चित्र कहाँ बने हैं आपसे पूछा जाता है। तो इसका जो लोकेशन है फाइनली छतों पर है मित्रों, यानी आपका जो कमरे ग्रह बने हुए हैं उसके शीर्ष वाले भाग पे, यानी छत वाले भाग पे आपको दिखाई देता है। जोगीमारा के चित्र कैसे होते हैं या कैसे हैं मित्रों, आपसे अगर पूछा जाए तो जोगीमारा के जो चित्र होते हैं वो अनुपातहीन है। कोई फिक्स नहीं है कि लंबाई कितनी रहेगी, चौड़ाई कितनी रहेगी, ऊंचाई कितनी रहेगी। ओवरऑल जोगीमारा की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो आप जानते हैं कि 10:6:6 है, लेकिन चित्रों का रेशियो कोई फिक्स नहीं है। और आगे बढ़ें तो कहा जाता है जोगीमारा गुफा चित्र की जो पृष्ठभूमि है वो कौन से रंग की है मित्रों? तो उसकी जो पृष्ठभूमि है वो आपका सफ़ेद रंग में दिखाई दे जाता है। कैसे रंग में दिखता है? सफ़ेद रंग में देखने को मिल जाता है। जोगीमारा गुफा में किन रंगों का प्रयोग हुआ है मित्रों? तो जो रंग प्रयोग किए गए हैं उसमें लाल है और फाइनली सफ़ेद। तो लाल और सफ़ेद रंग का अंकन ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। जोगीमारा के चित्र किस रंग के बने हैं आपसे पूछा गया, तो लाल रंग हमें प्रमुखता के साथ आंसर देना होता है कि वो लाल रंग में बने हैं। और आगे बढ़ें तो और क्या आता है जोगीमारा के बारे में? कहा जा रहा है कि जोगीमारा की बगल की गुफा का नाम क्या है। जोगीमारा की बगल की गुफा का नाम क्या है? नाम सीता बोगरा या फिर सीता घोंघवा या फिर सीता लांगड़ा नाम है। तो ये याद रखना, सीता बोगरा या सीता घोंघवा या सीता लांगड़ा कहाँ की गुफा का नाम है? तो जोगीमारा की ज्येष्ठ बगल की गुफा का नाम। सीता बोगरा क्या थी मित्रों? आ गया ऑप्शंस में, तो सीता बोगरा एक प्राचीन नाट्यशाला रही है मित्रों, जहाँ पे थिएटर वाला काम होता है वो नाट्यशाला कहलाती है। जोगीमारा गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ या आकृतियाँ जो है कैसी रही हैं? तो वो बौनी आकृति देखने को मिलती है। बौनी आकृति यानी छोटी आकृतियाँ यहाँ देखने को मिल जाती हैं। हालाँकि उनका कोई फिक्स आकार नहीं है, सेफ साइज नहीं है कि इसी टाइप में रहेंगी, कुछ भी आकार हो सकता है।
आगे कहा जाता है जोगीमारा के भित्ति चित्रों का निर्माण किसने किया था, तो जोगीमारा के भित्ति चित्रों का जो निर्माण किया जाता है वो देवदासी सुतनुका के द्वारा किया जाता है, तो देवदासी सुतनुक का नाम भी आप ज़रूर याद रखना। आगे बढ़ा जाएगा मित्रों, तो आगे कहा जाता है जोगीमारा गुफा अमरनाथ नामक स्थान पे कहाँ स्थित है, तो जोगीमारा गुफा जो है वो अमरनाथ नामक स्थान में कहाँ स्थित है, नर्मदा के उद्गम में स्थित है। किसके उद्गम में, नर्मदा के उद्गम में स्थित है। और आगे बढ़ते हैं, जोगीमारा गुफा संभवतया किस देवता का मंदिर है पूछा गया है, तो वरुण देवता का नाम प्रमुखता से लिया जाएगा। जब पूछा जाए कौन से देवता का मंदिर है तो आपको कहना पड़ेगा वरुण देवता का मंदिर। और आगे बढ़ते हैं, किस धर्म का इसकी कला पर प्रभाव पड़ा, तो आपने देखा स्टार्टिंग में ही पूछा गया था कि जोगीमारा की गुफा कौन से धर्म से संबंधित बताई गई, तो कहा गया था जैन धर्म। तो प्रभाव किसका पड़ेगा यहाँ पे, जैन धर्म का प्रभाव देखने को मिल जाएगा। और आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे क्या कहा जाता है, इस गुफा के लेख किस शताब्दी के हैं, तो लेख की अगर बात आती है तो तीसरी शताब्दी का नाम आता है। और एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे अध्ययन के लिए जाते हैं तो असित कुमार हालदार और शमेंद्रनाथ गुप्ता जाते हैं, तो पूछा जाता है कौन से सन में गए, तो शमेंद्रनाथ गुप्ता और असित कुमार हालदार 1914 में जाते हैं, ये बात याद रखना है। और जोगीमारा गुफा की अगर बात करते हैं तो ये प्राकृतिक रही है गुफा, पूर्ण रूप में प्राकृतिक रही है, जैन धर्म से संबंधित रही है, तो ये सारे दृश्य आपको यहाँ पे याद रखने हैं। थोड़ा सा बात हम शेतनवासल की कर लेते हैं। शेतनवासल आप जानते हैं इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो जैन सिद्धों का निवास स्थल होता है। क्या होता है, जैन सिद्धों का निवास स्थल। इसका टाइम पीरियड 600 ईस्वी से लेकर के 650 ईस्वी तक का बताया गया है। शेतनवासल गुफा किस नदी के तट पर स्थित है पूछा गया, तो ये कृष्णा नदी गलत जवाब है। सही जवाब क्या लगाओगे, कावेरी नदी लगाना मित्रों। पहले जो आंसर्स आता था वो कृष्णा के साथ आता था, लेकिन आप जानते हैं कि तमिलनाडु में कृष्णा नदी बहती ही नहीं है, तो ये फाइनली कावेरी नदी के किनारे है, याद रखना, आप कावेरी आंसर्स बनता है। आगे बात करें तो कहा जाता है शेतनवासल गुफा कहाँ स्थित है, अगर शेतनवासल गुफा के कहाँ स्थिति की बात आती है तो तमिलनाडु के पद्दुकोट्टा नामक स्थान पे फाइनली ये लोकेटेड है, स्थित है। शेतनवासल गुफा की खोज किसने की थी, तो TS गोपीनाथ राव और दूरबील के द्वारा इसे खोजा जाता है, तो दूरबील और TS गोपीनाथ राव का नाम आप याद रखना इसके खोजकर्ता के रूप में। शेतनवासल किस धर्म से संबंधित है मित्रों, तो शेतनवासल गुफा की अगर हम बात करते हैं तो फाइनली इसका जो धर्म बनेगा वो जैन धर्म से लगाव रखती है, यानी जैन धर्म से संबंधित गुफा होती है। शेतनवासल किसके लिए प्रसिद्ध है आपसे पूछा जाए, तो शेतनवासल की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो आपकी ये प्रसिद्धि जो पाएगी ये अर्धनारीश्वर के लिए फेमस है। यहाँ पे अर्धनारीश्वर का एक दृश्य बहुत अच्छा अंकित है। जैसे आप जानते हैं बाघ गुफा, तो बाघनी नदी के किनारे होती है, पुराना नाम कलयन वहाँ पर होता है। और आप जानते हैं कि बाघ में बढ़िया बढ़िया चित्र मिले हैं, जिसमें आप देखेंगे तो आपका कुछ दृश्य ऐसा दिखाई दे जाएगा जिसमें उल्लास वाला दृश्य है, कुछ ऐसा दिखाई दे जाएगा जिसमें अजंता बाघ के तुलनात्मक अध्ययन के रूप में देखा जाता है। लेकिन बाघ में जो पांच गुफाएं हैं जिनका नामकरण है, जैसे तीसरी गुफा हाथीखाना कहलाती है, आपकी पाँचवीं गुफा व्याख्यान मंडल या पाठशाला कहला देती है, आप ये देखते होंगे कि पहली गुफा ग्रह गुफा होती है, तो ये सब नाम खूब पूछे जाते हैं। और जब बादामी की बात आती है तो आप कहते हैं कि वो वातापी या वात्यातपुरम के किनारे है, तो ऐसे इसका भी है शेतनवासल अर्धनारीश्वर के लिए फेमस है। इसके लिए फेमस है अर्धनारीश्वर के लिए शेतनवासल फाइनली आपकी फेमस होती है। पल्लव राजवंश के अंतर्गत किस गुफा का निर्माण हुआ था, तो पल्लव राजवंश के अंतर्गत जो है वो शेतनवासल गुफा का निर्माण हुआ है, तो शेतनवासल का नाम आप पल्लव राजवंश के साथ जोड़ करके देख सकते हैं। और आगे बढ़ा जाता है मित्रों, तो आगे कहा जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म की अगर बात करते हैं तो जैन धर्म का सबसे प्राचीन नमूना किस गुफा से प्राप्त हुआ है, जैन धर्म का जो सबसे पुराना वाला नमूना है, सबसे प्राचीन वाला नमूना है, वो किस गुफा से प्राप्त हुआ मित्रों, तो वो आपके शेतनवासल गुफा से देखने को मिला है। कहाँ से देखने को मिला, शेतनवासल से देखने को मिला है। आगे, जैन धर्म का सबसे प्राचीन नमूना कौन सा है, तो जैन धर्म का जो सबसे प्राचीन नमूना है मित्रों वो पंच जैन मूर्तियां हैं। क्या है, पांच जैन मूर्तियां हैं, तो वही आपके जैन धर्म का सबसे पुराना वाला नमूना बताया सकता है। शेतनवासल का चित्र कहाँ अंकित है मित्रों, जब उसके अंकन की बात आए कहाँ पे है, तो आप शेतनवासल अर्धनारीश्वर का चित्र पूछा जाता है कहाँ अंकित है, तो अर्धनारीश्वर का चित्र जो है आपके शेतनवासल में है। ऑप्शंस में बहुत सारे नाम देगा, एलिफेंटा देगा, सिगिरिया देगा, सिगिरिया वही जो श्रीलंका में है, एलिफेंटा वही जो धारापुरी जिसका पुराना नाम होता है, कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में।
नाम खूब देगा। जैसे आप जानते हैं कि आपका जो एलिफेंटा है वो त्रिमूर्ति के लिए जाना जाता है, और आपका जो श्वेतन वासल है ये अर्धनारीश्वर के लिए जाना जाता है। तो दोनों में डिफरेंसेस जानिएगा, पहचानिएगा, तभी आप बता पाएंगे, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी, इतना डीप क्वेश्चंस पूछेगा। आगे कहा जाता है, आगे मित्रों कहा गया कि शीतल वासल गुफा की शैली किसके समान है। तो शैली की अगर बात आती है तो वो समानता अजंता के रूप में रखती है। तो अजंता के समान यहाँ की शैली बताई जाती है। गर्दन फुलाए मोर किस गुफा में चित्रित है, गर्दन फुलाए मोर किस गुफा में चित्रित है, तो वो शीतल वासल में ही चित्रित है मित्रों। और आगे बढ़ते हैं तो कहा जाता है शीतल वासल में पौने दो चश्म चेहरे, शीतल वासल में पौने दो चश्म चेहरे का अंकन है। किसके समय का प्रभाव है मित्रों, ये पल्लवकालीन अंक का देखने को हमें मिल जाता है। तो पल्लवकालीन प्रभाव देखने को मिलता है। शीतलवासल गुफा के भित्तीय चित्रों में एक सरोवर के दृश्य में कौन सा पुष्प खिला हुआ है, तो एक सरोवर में जो पुष्प खिला हुआ है फाइनली वो कमल के पुष्प देखने को मिलते हैं, और शीतलवासल की अच्छी गुफाओं में उनका नाम है। और आगे बढ़े मित्रों तो कहा जाता है सरोवर में कौन कौन सी आकृतियाँ हैं। तो सरोवर में कमल तो है ही, उसके साथ मछली है, हाथी है, हंस हैं, भौरे हैं, तीन दिव्य आकृतियाँ हैं, ये सब आपके शीतलवासल में देखने को मिल जाती हैं। तो शीतलवासल में देखने को ये सब मिलेगा मित्रों, ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देख लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म जो है वो गौतम बुद्ध संस्थापित करते हैं, यानी स्थापित करते हैं। पहला उपदेश वो अपना सारनाथ यानी ऋषि पत्तम में देते हैं। आप जानते हैं कि बुद्ध की भाषा जो है पाली होती है। ऐसे एक जैन धर्म भी है, तो जैन धर्म के बारे में कुछ देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन रहे, तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव रहे, यही संस्थापक रहे हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन रहे मित्रों, तो 24वें तीर्थंकर का नाम तो खूब याद है सबको, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ रहे हैं, याद रखना। 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर जो होते हैं वो महावीर स्वामी होते हैं, और कई किताबों में आपको महावीर स्वामी को वास्तविक जन्मदाता माना जाता है। तो जैन धर्म का वास्तविक जन्मदाता कौन है, यही बनेंगे। आगे बढ़ा जाए तो कहा जाता है महावीर स्वामी का जन्म तो 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम, कुंडल ग्राम कहाँ पड़ता है, वैशाली में पड़ता है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या रहा मित्रों, तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ रहा और माता का नाम त्रिशला रहा है। आपसे खूब पूछा जाता है, माता पिता और इनकी पत्नी में कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, तो पत्नी का नाम यशोदा है और पुत्री का नाम जो है वो प्रियदर्शनी है, क्या है, अनुज्ञा प्रियदर्शनी। तो ये पत्नी का नाम नहीं, ये पुत्री का नाम है अनुज्ञा प्रियदर्शनी, पत्नी का नाम यशोदा है, माता का नाम त्रिशला है, पिता का नाम सिद्धार्थ। बात समझ में आई। बचपन का नाम क्या रहा है मित्रों, तो बचपन का नाम वर्धमान था। क्या रहा है, बचपन का नाम वर्धमान रहा है। महावीर को जाम्भिक के समीप रिजुपालिका नदी के जो है नीचे और साल वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करते हुए ज्ञान मिल जाता है, यानी ज्ञान की प्राप्ति वहीं हो जाती है। महावीर को अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में देना पड़ा मित्रों, तो प्रकृति भाषा में वो फाइनली उपदेश देते थे। महावीर अपना प्रकृति भाषा में देंगे और बुद्ध अपना जो पहला उपदेश देंगे वो पाली भाषा में देंगे। दोनों में डिफरेंसेज याद रखना, क्योंकि एक जैन धर्म से हैं और बुद्ध आपके बौद्ध धर्म से हैं, ठीक है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद ही होते हैं, दामाद यानी जो प्रियदर्शनी है उनके हस्बैंड जमाली, जमाली बनते हैं इनके पहले जो है अनुयायी। और प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाह की पुत्री चंपा रही हैं, तो दधिवाह की पुत्री कौन रही हैं, चंपा रही हैं। जैन नरेश कौन रहे, तो दधिवाह रहे। और आगे बढ़ा जाए तो आगे कहा जाता है पहली जैन सभा पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी, 322 ईसा पूर्व में फाइनली हुई थी। भद्रबाहु और शंभूति विजय के नेतृत्व में ये आपकी सभा आयोजित हुई थी। इसी सभा के बाद जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है, और दो भागों में बढ़ते कौन कौन हैं, एक सफ़ेद कपड़े पहनते हैं वे श्वेतांबर कहलाए, और जो एकदम नग्नावस्था में रहते हैं वो दिगंबर कहलाए। तो ये जैन धर्म के दो साधु हो गए। दूसरी जैन सभा जो है वो बल्लभी गुजरात में होती है, और वो कब होती है मित्रों, तो बल्लभी गुजरात में 512 ईस्वी में होती है, और ये देवार्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में फाइनली आपकी दूसरी जैन सभा का आयोजन होता है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है, जिसे निर्वाण कहा जाता है। 668 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी राजगीर में जो है फाइनली इनका दुखद निधन होता है। तो ये बात याद रखना, जैन धर्म की ऑफिशियली लैंग्वेज में इसे निर्वाण कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा महावीर स्वामी टोटल कितने वर्ष जीवित रहे, तो 72 ईयर तक वो इस पृथ्वी पर रहे हैं और जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। आगे बढ़े कुछ और दृश्य देख लेते हैं। जैसे आप जानते हैं बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में दिए थे, बुद्ध अपना 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागे थे, आलार कलाम उनके गुरु बनते हैं। आप जानते हैं पहले गुरु कौन होते हैं सिद्धार्थ के, तो आलार कलाम ही बनते हैं। ऐसे जैन धर्म में भी आपने देखा कि महावीर स्वामी के बारे में आपने समझा, दिगंबर
और उसके साथ श्वेतांबर क्या है, दिगंबर श्वेतांबर के साथ अब थोड़ा सा और दृश्य देख लेते हैं। चौर पंचायसिका के चित्र में क्या चित्रित है आपसे पूछा जाता है, तो बिलहण और चंपावती के प्रणय लीला को यहाँ पे चित्रित किया गया है। आगे एक दृश्य दिखाते हैं, ये आपका दृश्य है बिलहण चंपावती वाला चौर पंचायसिका, आपकी अभ्रंश शैली का दृश्य है, अच्छे से देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो कहा जाता है कि सबसे पहली चित्रित कृति ताड़पत्र पर लिखी पांडुलिपि कौन सी है मित्रों, तो निशीथिचूर्ण है, याद रखना है। आगे कहा जाए निशीथिचूर्ण का निर्माण काल क्या है, तो सिद्धराज जयसिंह का राज्यकाल होता है 1100 ईस्वी के आसपास, ये निशीथिचूर्ण फाइनली मेंटेन हो जाती है। पाकशास्त्र का ग्रंथ नियामतनामा किसके राज्यकाल में लिखा गया मित्रों, तो गयासुद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे लिखा जाता है। टाइम पीरियड की अगर बात करते हैं तो एग्जैक्ट समय जो होता है वो 1469-1500 ईस्वी के आसपास का होता है। और आगे बढ़ते हैं मित्रों, तो आगे कहा जाता है 16वीं शताब्दी में कौन से दो ग्रंथ हैं जिनके चित्रों की आकृतियों में सजीवता दिखाई देती है, तो मित्रों 16वीं शताब्दी में कौन से दो ग्रंथ हैं जिनके चित्रों में आकृतियों में सजीवता दिखाई देती है और जिसे राजस्थानी शैली के जन्म में सहयोग दिया है, तो आपका रति रहस्य और लौर चंदा है। रति रहस्य और लौर चंदा फाइनली आपको इस पे देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ा जाए तो आगे कहा जाता है महावीर की माता त्रिशला ने 16 सपनों को शैली में मुख्य रूप से चित्रित किया, तो वो आपकी अभ्रंश शैली के अंतर्गत कल्पसूत्र में देखने को मिल जाएगा। जो महावीर की माता त्रिशला ने 16 स्वप्न देखे थे उनको दर्शाने का काम यहाँ पे किया गया, किसमें है, कल्पसूत्र में है। लौरचंदा का लेखक कौन रहा है मित्रों, तो ये आपसे पूछा जाता है लौरचंदा के राइटर कौन है, तो कहा जाएगा मुल्ला दाऊद का नाम आप लगाइएगा, तो मुल्ला दाऊद की रचना है लौरचंदा। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस पांडुलिपि में चित्रित है मित्रों, तो वो कालिकाचार्य कथा में फाइनली देखने को मिल जाते हैं। और आगे बढ़ा जाता है तो आगे कहा जाता है, क्या कहा जाता है मित्रों, कहा जाता है आलेखन कला की बहुलता से प्रयोग किया गया है, तो आलेखन कला को ज्यादा मात्रा में जो प्रयोग किया गया वो अभ्रंश शैली में हमें प्रयोग देखने को मिल जाता है। कहाँ देखने को मिलता है, अपभ्रंश शैली में देखने को मिल जाता है। आगे बढ़े तो कहा जाता है चित्रकला की उस शैली का नाम बताइए जो मानव रूप की विकृति और अतिरंजना के लिए प्रसिद्ध है, तो मानव रूप की विकृति और अतिरंजना के लिए जो फेमस है मित्रों चित्रकला की उस शैली का नाम जैन शैली होता है, जैन शैली होता है, नाम याद रखिएगा, अच्छा है, बढ़िया है। चेतन वासल तो पूर्ण रूपेण इसी से संबंधित है, वही चेतन वासल जो दूरबीर साहब पूछते हैं या फिर टी एस गोपीनाथ राव पूछते हैं, तो ये सर नाम याद रखिएगा। एलोरा में भी आपके 5 जो है वो जैन धर्म से संबंधित गुफाएं देखने को मिल जाती हैं, आप देखते होंगे 30, 31, 32, 33 और 34, तो वो 5 गुफाएं आपकी जैन धर्म से ही होती हैं जो एलोरा में देखने को मिलती हैं। एलोरा में टोटल गुफाएं तो आप जानते ही हैं कि 34 होती हैं और अजंता में 30 होती हैं। ये सारी बातें आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, घूम घुमा के यहीं से क्वेश्चंस बनने हैं, इसलिए आपको याद रखना है। तो हमें उम्मीद है कि अब ये पूरी बातें आपके दिमाग में आई होंगी, समझ में आई होंगी, तो अगर समझ में आई हैं तो अपने इष्ट मित्र तक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना जिससे नोटिफिकेशन आपको समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें। मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।